हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वर्षा और आप सभी को स्वागत है मेरी चैनल यू कैन पे। तो आज मैं बना रही हूं स्पाइसी चिकन फ्राई रेसिपी। बिना देरी किए हुए आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहां पे मैं 250 ग्राम चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरीके से पहले ही मैंने धो के साफ करके रखा है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक बड़ी चम्मच लेमन जूस, एक बड़ी चम्मच कर्ड और एक बड़ी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम चिकन को मसाला के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को ऐसे ही आधे घंटे तक मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। गैस स्टोव में मैंने पहले से ही एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे एक बड़ी चम्मच जीरा, एक तेज पत्ता, 3 लवंग, 2 इलायची, दालचीनी और हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च मैंने 4 डाला है। अब हम तेल में मैरिनेशन किया हुआ चिकन को डाल देंगे। चिकन को हमें 5 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। तो हमारा 5 मिनट हो गया है। अब हम चिकन में ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से पका लेंगे। हो सके तो आप बीच बीच में एक दो बार चेक भी कर लीजिएगा। पंद्रह मिनट हो गया है। अब हम चिकन में अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन में एक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। इसको भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम ढक्कन को लगा के फिर 15 मिनट तक चिकन को पका लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी के अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा रेसिपीज मिलता रहे। और हाँ, मेरी इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। हमारा 15 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन को हटा के एक बार चिकन को चेक कर लेंगे। अब हमें चिकन को बिना ढक्कन का ही ऐसे ही भूनते हुए
15 मिनट तक पकाना है। आग का फ्लेम भी हमें मीडियम आंच में ही रखना है। आप इस टाइम पे बिल्कुल भी ढक्कन का यूज ना करें, नहीं तो चिकन फ्राई के जगह में चिकन करी बन जाएगा। ये अब हम यहाँ पे टमाटर केचप 1 चम्मच डालेंगे और अच्छी तरीके से 5 मिनट तक इसको भूनते जाएंगे। देखिए चिकन हमारा पूरी तरीके से पक के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे 1 इंच बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, अच्छी तरीके से एक बार मिला लेंगे। अब चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन डालेंगे। और चॉप किया हुआ धनिया पत्ता को भी डाल देंगे। इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर चिकन को ठंडा होने के लिए रख देंगे ऐसे ही। हमारा स्पाइसी चिकन फ्राई रेसिपी बनके तैयार है। आप इसको अपना घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।